उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जहां एक ओर नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अंतिम दिन सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शायराना अंदाज में तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि बड़ा हसीन है उनकी जवाब का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं जिन्होंने रात में लाखों बस्तियां लूटी, वहीं नसीब की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वह केवल यह कहना भूल गए कि चंद्रयान का निर्माण सैफई में हुआ था। आजकल नेता विरोधी दल लीक से हटकर बोलने के आदि हो चुके हैं, यह बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि विरोधी दल के नेताओं को तैयारी करके आना चाहिए और अनुपूरक बजट के बारे में पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर परिवारवाद अराजकता पैदा करने वाले लोग छिपे हुए नहीं है। क्या राजूपाल उमेश पाल पीडीए के हिस्सा नहीं थे? कांशीराम और भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने स्मारकों और संस्थानों के नाम सपा सरकार में बदले गए, तब पीडीए याद नहीं आया? उन्होंने कहा कि जब एक गरीब और नौजवानों की नौकरियों के ऊपर डकैती पड़ती थी, किसान और बेरोजगार आत्महत्या करता था, तब क्या पीडीए नहीं था? तब ये लोग गुंडे माफियाओं का संरक्षण करते थे। सीएम ने आगे कहा कि जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं तब ये जाति का झुंझुनौर पीडीए को आगे करते हैं। वहीं सदन के दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रही है। आपके समय में छठे नंबर पर यूपी था, लेकिन आज अर्थव्यवस्था में यूपी देश के दूसरे नंबर पर है और जल्द ही यूपी नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनेगा। नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदि हो चुके हैं और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है, जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है वही बीमारी यहाँ भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेर व शायरी के बड़े शौकीन हैं, विरोधी नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। पहले प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार के नेतृत्व में दिशाहीन था, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार था, प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा थी, लेकिन 17 के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के विजन और उनकी लीडरशिप का परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है और मुझे लगता है हर उत्तर प्रदेश वासी को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। और कि पीडीए के पार्ट क्या राजूपाल नहीं थे क्या? और अखिलेश निषाद क्यों? उमेश पाल क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? मुझे एक बात बताइए, मान्यवर कांशीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हो, उन स्मारकों को तोड़ने की बात करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय, तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था, ये जाति जब एक गरीब के हाथ पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था, जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या?
तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे? महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है, जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके, यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए। हम मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब अवसर मिलता था तब गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे, हर नौकरी भाई भतीजे बात की भेड़ चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती थी, इंसेफ्लाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे, तब पीडीए याद नहीं आता था, तब माफिया और अपराधियों का संरक्षण करते थे, कहीं राजूपाल की हत्या करवाते थे और कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कोई उस समय इनको पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय पीडीए, उन भाई और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं था, तब पीडीए की याद नहीं आ रही थी, क्योंकि तब तो पीडीए एक, यानी ये मुद्दा एक उस समय भी बहकाने का प्रयास किया था। और महोदय, इसीलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए, जिस लक्ष्य को लेके सरकार चल रही है, $1 trillion की इकोनॉमी हमारा राज्य बने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेके गए थे? आपके समय में उत्तर प्रदेश छठी अर्थव्यवस्था थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है, आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी।